अभी मैं इसका टॉप स्पीड चेक करूंगा, स्कूटर का टॉप स्पीड कितना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम आपको दिखाएंगे बजाज चेतक ईवी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इस स्कूटर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, स्कूटर का प्राइस कितना है, फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, टॉप स्पीड कितना है, सभी जानकारी इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट में जैसे कि आप देख सकते हो फुल एलईडी सेटअप हेडलाइट है, साइड में डीआरएस देखने को मिलता है। डीआरएस को ऑन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों डीआरएल काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी स्टाइलिश मिरर्स देखने को मिलता है। मिरर का इधर में आपको चेतक का ब्रांडिंग दिख रहा होगा। तो टर्न सिग्नल एलईडी सेटअप में है, चेतक का ब्रांडिंग है। सबसे बढ़िया चीज़ फुल मेटल बॉडी दिया गया है। दोस्तों बजाज चेतक ईवी का दोनों टायर प्रोफाइल का बात की जाए तो फ्रंट में आपको MRF का 90x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है विथ डिस्क ब्रेक के साथ, और रियर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो दोस्तों रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का साथ में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये है गाड़ी का की, कीलेस है, बस की को अपना पास रखना है। और इधर में दोस्तों मिल जाता है एक पुश बटन, बटन को प्रेस किया स्कूटर ऑन हो जाता है। एक बढ़िया बात है दोस्तों, ओला में बटन दबाने के बाद आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है, ये स्कूटर में वो पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं है, बस की अपने पास रखना है, ये बटन दबाया और स्कूटर ऑन हो गया। फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इधर पर आपको देखने को मिलता है टाइम, रेंज, स्पीड, बैटरी स्ट्रेंथ, अलग अलग मोड देखने को मिलता है, चेतक का ब्रांडिंग है। राइट साइड में अलग अलग बटन्स देखने को मिलेगा, ड्राइव, रिवर्स मोड है, ये बटन दबाने से आपका फ्रंट का जो डिकी है ये खुल जाएगा। USB पोर्ट्स देखने को मिलता है, छोटा मोटा आप सामान कैरी कर सकते हो, फर्स्ट एड किट है। इधर में एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि ओला में आपको इधर में टनल देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्कूटर बिल्कुल जो पैर रखने का जगह है बिल्कुल फ्लैट है, आप कोई भी सामान रख सकते हो, पर हुक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये है हुक दोस्तों, आप 3 kg तक कोई भी सामान कैरी कर सकते हो, आपका ज़रूरत का हिसाब से। ये आपने प्रेस किया तो ये अंदर चला जाएगा, फिर प्रेस किया तो ये बाहर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। रिवर्स स्विच का नीचे में एक बटन है, वो लॉन्ग प्रेस करते ही आपका डिक्की ओपन हो जाएगा। डिक्की ओपन हो गया, काफ़ी स्पेसियस है, एक हाफ हेलमेट आराम से आ सकता है। लाइट्स दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट है, ऐसा नहीं कि आप डिक्की क्लोज नहीं कर सकते हो चार्जिंग टाइम में, वायर जाने के लिए जगह दिया हुआ है। तो चार्जिंग में देखें आप डिक्की बंद करके आराम से स्कूटर को रख सकते हो। पीछे का लुक्स कुछ ऐसा है, रियर में जो टर्न सिग्नल दिया है वो LED में है, नंबर प्लेट स्लाइड है, नंबर प्लेट फिटिंग हुआ है, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। इस स्कूटर में आपको डबल स्टैंड देखने को मिलेगा, डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड दोनों दिया है। सिंगल स्टैंड भी काफ़ी स्टाइलिश है और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। पिलियन फुटपैक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, काफ़ी स्टाइलिश सा है और इसका डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसका मोटर के बारे में बात करते हैं, 4.2 वाट का मोटर है, 20 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों ये स्कूटर चार्ज होने में ओनली 4 आवर्स लगता है दोस्तों, ओनली 4 आवर्स में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है। और एक बढ़िया सा फीचर्स देखने को मिलता है वो है हैंड ब्रेक, ये लीवर दबाने से ये वाला बटन दबाया आपने तो बिल्कुल लॉक हो जाता है, फिर लीवर दबाने से हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले स्कूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले थ्रॉटल रेस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। स्कूटर का थ्रॉटल रेस्पॉन्स जो है काफ़ी अच्छा है,
स्कूटर का थोड़ा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कि ब्रेकिंग का जो बाइट वो कैसा है। वेरी नाइस। रियर ब्रेक का जो बाइट है दोस्तों वो एकदम एक नंबर। अभी फ्रंट ब्रेक टेस्ट करते हैं कि फ्रंट का ब्रेकिंग बाइट कैसा है। फ्रंट का जो दोस्तों ब्रेकिंग का बाइट है वो भी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी एकदम ठीक से कंट्रोल हो जाता है। अभी मैं इसका टॉप स्पीड चेक करूंगा कि स्कूटर का टॉप स्पीड कितना है। सिक्सटी नाइन दिखा रहा है। तो दोस्तों स्कूटर का टॉप स्पीड अभी है 69। भाई साहब काफी अच्छा है। 0 to 50 का स्पीड इतना तेजी से दोस्तों पकड़ रहा है कि आपको मजा आने वाला है ये स्कूटर चलाने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।